हेलो गेमर, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू और पबजी मोबाइल लाइट की गेम प्ले वाली वीडियो में। आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में हम लोग ओल्ड बेसिन जा रहे हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ओल्ड बेसिन अपने घर जैसा है यार। यहाँ पर किल्स भी मिल जाते हैं और गाड़ी भी मिल जाती है, तो मतलब यहाँ आना यार सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया हॉट ड्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ उतरते ही मेरा बहुत गंदा वाला लैग हो रहा है, क्योंकि भाई 3GB रैम के फ़ोन में खेल रहा हूँ यार, बहुत लैग हो रहा है। बड़ी मुश्किल से यार गेम प्ले रिकॉर्ड करा है और भगवान भरोसे गेम प्ले रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को DP और स्कारेल मिल चुकी है और बंदे बहुत सारे उतरे हैं, तो सबका मतलब सबको मारना है यार। और एक सामने वाले इस वाली बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग कह रहा हूँ, इस वाले घर में भी होता है, जिसको यार अलग ही तरीके से मारने वाले हैं। मतलब क्या ही बंदा होता है यार, समझ में ही नहीं आता मेरे, बट उसको हमें यार बहुत गंदी तरीके से मारने वाले हैं, ठीक है। तो वो ऊपर वाली छत के दूसरे तरफ बैठा हुआ होता है। और ये गेम प्ले में पता नहीं मैं यार कैसे बच रहा होता हूँ, किस्मत होती है बस। अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है तो भाई मैच जीतना पक्का है, बट मैच नहीं जीत पाते। ये देखो यार, ये रहा बंदा, अब इसको ग्रेनेड करता हूँ। ये लेट जाता है, ये समझता है कि मैं कहीं और हूँ, इसी वाली बिल्डिंग पे हूँ, बट मैं यहीं होता हूँ। और भाई कसम से यार क्या ही गुस्सा आ रहा होगा इसे यार। तुम लोग कमेंट में बताओ, अगर इसकी जगह तुम होते तो तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं, ठीक है, इस कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर इसे मारने में मज़ा बहुत आया भाई साहब, मतलब फ्री का एक किल देगा ये बंदा। और ग्रेनेड से मारा, मैं चाहता तो ऐसे ही मार सकता था, बट उसमें भी रिस्क था ना यार, मैं भी मर सकता था क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा लैग हो रहा है। अब उधर से मैं दर की तरफ आता हूँ, तो उधर भी एक बंदा होता है जो भी समझ रहा होता है कि मैं नीचे की तरफ हूँ। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है तो संभाल लेना, और मैं डायरेक्ट इस पर रश कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बंदा भाई साहब मुझे इतना घुमाता है, ये इतना यार इतना मतलब छुपता छुपाता है, पर आखिर में यार ये जाके पकड़ने ही वाला हूँ, मैं इसे मारने ही वाला हूँ। अब ये जो बंदा होता है यहाँ पर छुप कर हीलिंग कर रहा होता है, जिसे हम लोग यार इजीली यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब फ्री के भाई साहब एक और किल मिल चुका है, एक और फ्री का किल यार ये बंदा दे चुका है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर और भी बंदे हैं और 2-3 बॉट भी हैं, तो यार उन्हें भी मारना है। और भाई साहब बंदे बहुत परेशान करने वाले हैं, और ऊपर वाले, सच्ची बता रहा हूँ यार, ऊपर वाले के भरोसे पे बचाऊँ मैं, वरना मेरे बचने का कोई चांस भी नहीं था यार। तो यार उधर से मैं इधर की तरफ आता हूँ, और मेरे पे यार ये बंदा बहुत फायरिंग दे रहा था कहीं ना कहीं से, बट इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा था। बट फाइनली यार ये हम पे रश करने वाला है और हम इसे ख़त्म करने वाले हैं। तो यार सही में भाई, क्राउच एंड शूट, प्रोन एंड शूट, ये चीज़ तो मैं बचा लेती है। उसका एग्जांपल तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने क्राउच एंड शूट करा, ये बंदा अगर मैं क्राउच एंड शूट नहीं करता तो मेरी अभी तक पेटी बन चुकी होती जैसी इसकी बनी है। बट यार क्राउच एंड शूट और प्रोन एंड शूट से यार बहुत अच्छी तरीके से यार बच जाते हैं, मतलब यार बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अब यहाँ पर एक और बंदा है जो कि मेरे पर फायरिंग दे रहा होता है। यहाँ पर अभी 2 बंदे और 2 बॉट्स हैं, तो उन सबका खात्मा यार मैं ही करना है, मैं ही करूँगा यार उन सबका खात्मा। अब भाई साहब गेम प्ले डालना है, मेरा ड्रीम है यार, और मैं डाल भी रहा था, बट अभी यार ये वाला फ़ोन है जो ख़राब हो चुका था, है ना, तो अब ये सही हो के आ गया है। और यार इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, क्योंकि 3GB रैम है यार, स्टोरेज इसमें बहुत है, फिर भी यार ये लैग कर रहा है। तो यार यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बंदा बॉट है, बट यार ये रियल होता है, शुभम सिंह तुम लोगों ने नाम देखा है ना, तो यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता यार, ये बंदा रियल होता है। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है जो मेरे से दूसरी तरह से फायरिंग कर रहा था यार, उससे भी बदला लेना है, और वो इस वाले घर पे है, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं एक नेड लूट कर देता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा डैमेज हो जाए उसे, पर उसे यार कद्दू भी डैमेज नहीं होने वाला, मेरे को ये रश करना पड़ेगा। और पता नहीं भाई साहब मैं बचता कैसे हूँ यार, तुम लोग खुद इस क्लिप को देखना और देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, पता नहीं यार उस बंदे को क्या हो जाता है, लेकिन मैं यार बच जाता हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। तो वो मॉली कर देता है ऊपर की तरफ, और मैं ऊपर की तरफ यार डायरेक्ट रश कर देता हूँ। मुझे पता है मॉली है, पर मुझे लगा कि वो मॉली वहाँ सीढ़ियों पे नहीं होगी, और यार वो सीढ़ियों पे ही होती है, तो पता नहीं भाई साहब मैं कैसे बचता हूँ यार। मॉली भी हम पे यार थोड़ा सा रहम कर देती है, और वो बंदा भी यार नीचे से ही ज़्यादा डायरेक्ट रश कर देता है, और बहुत ही कम हेल्थ होती है। ये देखो मतलब यहाँ पर वो आ गया और मैंने जंप कर लिया, मैं हीलिंग भी नहीं कर पाया, और पता नहीं यार कैसे, मतलब भगवान भरोसे। ये देखो वो बंदा यार मतलब एक गोली तक नहीं चला पाया, मैंने उसे यहीं के यहीं ख़त्म कर दिया। मतलब यार किस्मत के ऊपर होता है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो यार तुम्हें कोई नहीं रोक सकता यार जीतने से या फिर गेम प्ले रिकॉर्ड करने से। तो किस्मत का तुम ही देख सकते हो यार, अभी ऊपर वाले चाहते तो मैं यहाँ पर मर जाता, बट यार किस्मत है यार अपनी अपनी, ठीक है। तो आगे जाके यार एक गलत सी होने वाला है, जो कि यार मेरी सेटिंग्स की वजह से होता है। सेटिंग्स में मैंने स्कोप को होल्ड पे नहीं लगा के गलती से टैप पे लग गया था,
क्योंकि मैंने एक कॉन्फिग अप्लाई करा था अपने वाला, जिसकी वीडियो की लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने यार वाला कॉन्फिग अप्लाई करा था जिससे यार मेरा 90% लैग यार फिक्स हो चुका था, मतलब बहुत गंदा लैग कर रहा था, जिसकी क्लिप तुमको पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो यार जाके देखो ठीक है, और मैं लैग फिक्स की वीडियो डालता रहता हूँ, तो यार जाके देखो। तो यार अब यहाँ पर मैं इधर की तरफ आता हूँ और वो बंदा यार यहाँ पर होता है, मतलब ये यार मेरी पूरा मतलब स्पॉइल कर देता है इस चीज़ को ठीक है। और आगे जाके तुम लोगों को एक हैकर भी दिखाने वाला हूँ मैं, जो कि यार हैकर नूबड़ा मेरे यार पूरा गेम प्ले बिगाड़ने वाला है ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ये बंदा है, और पता नहीं क्या ही स्कैम हुआ, मैं स्कोप पे से मतलब अपनी उंगली हटा ही नहीं पाया ठीक है। स्कोप पे मैं होल्ड पे लगा के रखने की मेरी आदत है यार, मैं हटा ही नहीं पाया। तो यार एक गेम प्ले हो चुका है, अभी ये दूसरे वाले गेम प्ले में हम लोग पायलट प्लाजा जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा किल्स तो नहीं होते हैं, बट इसमें यार हैकर नूबड़े से मेरा सामना हो जाता है, और यार मुझे मतलब उसे मारने का मौका भी नहीं मिलता यार। वो अलग ही गायब वाला है करता भाई, मतलब पता नहीं यार ज़मीन के अंदर से कहाँ कहाँ से मारता है, बड़ा है भाई, बड़ा गुस्सा आता है यार। देख सकते हो यार तुम लोग कितना लैग कर रहा है गेम मेरा। तो यार उस लैग में भी तुम्हारे लिए गेम प्ले डाल रहा हूँ, तो यार एक लैग तो यार करना बनता है। तो भाई साहब यार बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले यार गलत सीन होने वाला है इसमें। वो हैकर भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा है उस हैकर पे यार, उस हैकर ने मेरा पूरा गेम बिगाड़ दिया। ज़्यादा किल्स नहीं थे लेकिन यार फिर भी यार मतलब तुम्हारी एक तरह से वो तो बिगड़ी ना यार, रैंक है ना। तो हैकर्स पे यार बहुत गुस्सा आता है यार, ये हैकर लोग यार मतलब हैक करके यार लीड बोर्ड पे चढ़ जाते हैं भाई साहब, लीडर बोर्ड पे। और जो यार रियल बंदे होते हैं जो कॉन्करर जाना चाहते हैं, वो उनकी वजह से यार बहुत लोग जा नहीं पाते हैं, या फिर यार बहुत नीचे रह जाते हैं टॉप 100 में ठीक है। तो यार पबजी मोबाइल लाइट वालों को यार हैकर वालों को बैन करना चाहिए, मतलब अलग ही सीन चल रहा है पबजी लाइट वालों का। तो वहाँ से मैं गाड़ी लेके इधर आता हूँ, और इधर भी एक बंदा होता है, पता नहीं यार इससे भी मैं ऐसे बचता हूँ, प्रोन एंड शूट यूज़ कर लेता हूँ तो बच जाता हूँ, वरना यार बचना मेरा बहुत मुश्किल था ठीक है। यहाँ पर देखो यार ये बंदा आया, इस पर मैंने फायरिंग करी, क्या ही इसने मेरे को डैमेज दिया, और मैंने प्रोन एंड शूट करके यार बच गया। मतलब प्रोन एंड शूट, क्राउच एंड शूट, जंप एंड शूट, मूव एंड शूट, यार ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, इनसे यार तुम बहुत हद तक बच सकते हो यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद तक बच सकते हो। तो यार अब मैं यहाँ से लूट करके इधर की तरफ जा रहा था, तो पीछे से मेरे पे फायरिंग होने लगी। एक तो वो हैकर नूबड़ा मेरे पे फायरिंग कर रहा था, और दूसरा एक और रियल बंदा था ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो मेरे पे फायरिंग कर रहा था। तो यार यहाँ से गाड़ी लेके मैं स्टेडियम अपार्टमेंट में जाने वाला हूँ, और यार मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि यार मैं वहाँ क्यों गया, क्योंकि वो हैकर नूबड़ा यार वहीं होता है, और वो ऐसी फायरिंग दे रहा होता है कि वो बॉट है और मैं उसके जाल में फंस जाता हूँ। मुझे लगता है कि वो बॉट है क्योंकि वो ऐसी फायरिंग दे रहा था, और वो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ था, सो बॉट की फायरिंग दे रहा था ताकि मैं यार उधर आऊँ ठीक है। सच्ची बता रहा हूँ यार, कसम से मुझे लगा कि यार बॉट है, तो यार मैं डायरेक्ट रश भी कर देता हूँ क्योंकि यार वो बॉट वाली फायरिंग ही कर रहा था। तो अब स्टेडियम अपार्टमेंट में वो नीचे वाली फ्लोर पे ही है, और मैं पूरे घर में चेक कर लेता हूँ, बट फाइनली मुझे पता चल जाता है कि वो नीचे है, और मुझे ये नहीं पता होता है कि यार वो मतलब यार वो हैकर है भाई, ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है यार, मुझे ये नहीं पता होता है ठीक है। पर मुझे अभी इतना पता चल जाता है कि वो रियल बंदा है क्योंकि उसने ऑटो पे फायर कर दिया था। तो यार अब मैं देखो यार इधर की तरफ आता हूँ, और वो बंदा यार यहाँ पर है, छुपा हुआ है कालीन के नीचे। मतलब देखो यार मैं कवर में हूँ, अभी देखना तुम लोग कवर में हो यार, फिर भी गोलियाँ पड़ रही हैं मेरे को। तो भाई मैं मेरे को यार डर लग जाता है कि यार हो क्या रहा है, मेरी फट जाती है अच्छे तरीके से, फट के 64 हो जाती है। मैं यार बाहर आ जाता हूँ, और मैं बाहर ही रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ। देखो यार कवर में बैठा होता हूँ यार, फिर भी मतलब यार वो मुझे मार देता। अब मैं सोच रहा हूँ भाई मारा कहाँ से उसने यार, और देखता हूँ तो वो भाई साहब वो ज़मीन के अंदर छुपा होता है। मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ यार, ये देखो मतलब भाई साहब ये बंदा यार ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है, इसने मेरा पूरा गेम बिगाड़ दिया, बट एक तरह से यार कंटेंट भी बना दिया। तो यार बहुत गुस्सा आता है इन जैसे लोगों पे यार, जो हैक करके यार गेम खेलते हैं, मतलब मज़ा क्या ही मज़ा आता है तुम लोगों को हैक करने में यार। अब मेरे को ये नहीं पता ये हैकर है या फिर ये ग्लिच की वजह से यहाँ पर फंस चुका है, बट मेरे को यार कुछ नहीं पता अब क्या कर सकते हैं यार, हैकर है यार, ये लोग लीडर बोर्ड पे चढ़ जाते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। सो यार आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। एंड यार इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार अगर वो भी हैक करने वाले हों तो वो हैक ना करें यार, मेरे को हैकर बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं यार, हैकर नूबड़े यार। और मैं मिलूँगा तो मैं यार ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।